जिला चित्रकोट ब्लॉक मानिकपुर, मानिकपुर के यहाँ पे मैं ऊंचा डी और कोटकंदा इला, यहाँ पे लगभग 4-5 गांव में वोट बहिष्कार हुआ है। सबसे बड़ा यहाँ पे 3 मुद्दा है। 3 मुद्दा में सबसे बड़ा कोल जनजाति को जो दर्जा नहीं मिल रहा है, इनको लगभग सप्ताह कई पीढ़ी से अपनी जनजाति दर्जा के मांगते मांगते थक गए हैं, तब हुई जाके वोट बहिष्कार किए हैं। 4 महीने से इनका वोट बहिष्कार का बैनर लगा हुआ है हर जगह जगह कि जब तक हमें जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। आप लोग क्या विकास के लिए वोट बहिष्कार किए? हमारे यहाँ जो नेता यहाँ से वोट लेके चला जाता है वो दोबारा कभी आकर के ये नहीं देखता कि यहाँ की जनता जी रही है कि मर गई है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की। रोड जो भी बनी थी ददुआ के जमाने में वो सब उखड़ गई। आज तक कोई नेता या विधायक या सांसद यहाँ जो रहा है कभी नहीं आया कि रोड आगे हनुमानगंज से उतरेगी, मानिकपुर से इसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जो लास्ट बॉर्डर पड़ता है एमपी की तरफ का, तो यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग परेशान हैं। यहाँ एक तो सूखे की समस्या है, यहाँ पानी नहीं है। हम कई बार लिख करके दिए हैं तहसील में कि हमारा ये जो बांध तालाब है इसको सरकारी कर दिया जाए। विधायक सुन रहा है, न कोई सांसद सुन रहा, न कोई अधिकारी इसमें। तो कब आप वोट बहिष्कार किए, किस तारीख को? ये जिस दिन वोट पड़ेगी उस दिन हम लोग ना तो किसी अधिकारी से मतलब रहेगा, ना किसी कर्मचारी से मतलब रहेगा, ना कोई उधर जाएगा। तो जो आप वोट बहिष्कार किए हैं तो किस कारण से किए हैं? हम लोग जो है कुल जनजातीय के दर्जे के लिए जो है बहिष्कार रखे। ये जो है हमारी 72 साल हो गए देश आजाद हुए, हमारे लोगों की आज तक कोई जो है सुनाई नहीं है। हर पार्टियां आती हैं वोट लेकर वादा करके झूठे वादा करके चली जाती हैं। हम लोग जो है अभी इस बार जो है ये ठान लिए हैं कि हम लोग जो है चुनाव बहिष्कार करेंगे, और जब लोकसभा में चुनाव बहिष्कार करेंगे विधानसभा में करेंगे तभी सरकार हमारी जो है सुनाई करेगी, नहीं तो नहीं सुनाई करेगी। क्योंकि हम लोग 70,000 मऊ मानिकपुर विधानसभा में कोल हैं, और आज तक का जो है हर पार्टियां जो है 70,000 कोलों को बेवकूफ बना बना कर चली जा रही हैं। वादे करते हैं झूठा है, और जो है कोई जो है सुनाई नहीं करती। हमारे पास लिखित रूप में ये हमारे पास प्रमाण है कि मुलायम सिंह की जब सरकार थी तब जो है 2006 में, तो उन्होंने जो है हमारी जो है वो मांग किए हुआ रखे थे। देखिए पूरा जो है पक्का सबूत लेकर के लिखित रूप में वहाँ जो है लखनऊ से जो सचिव थे उनका जो है मंत्री जी का सचिव थे उनका हम लिखित रूप में लेकर के रिसीवित बैठे हैं। हमारी जब तक मांग नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग बहिष्कार रखेंगे। मैं निर्णय ले लिया है इस बार हम लोग चुनाव बहिष्कार के माध्यम से शासन को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारी क्या भूमिका है। हम उत्तर प्रदेश में 36 लाख बताए। यहाँ बदमाशिया इलाका है, जंगल है, तो वहाँ से बदमाश सबको घेरता है। अकेले अकेले आदमी जा सकता है तो उसको घुटकी पकड़ के मारे डाला था। हाँ जाना हनुमानगंज तो बताओ कर भी जाए, वजह गरीब आदमी ने 1 रुपया नहीं आया तो बताओ कहा तुम हमारे दादा आयो कि हमका लेके चलियो। हाँ बस समय से यही कि यहाँ पानी हो जाए, रोड बन जाए, यहाँ पब्लिक का कि जनता का बढ़ोतरी हो जाए तो वोट देने का कुछ फायदा मिलेगा। तो आप लोग जो विकास का मुद्दा लेके वोट बहिष्कार किए हैं तो क्या क्या मुद्दा रखे गए हैं? मुद्दा तो ये जनता मतलब ये जनता ली है कि हम वोट इस बार नहीं डालेंगे, प्रधान जी आपकी क्या इरादा है। हमने कहा आप जनता हैं, अगर आप वोट बहिष्कार करेंगे हम साथ में रहेंगे, लेकिन मेन में कहिए तो हम नहीं हैं। पर अगर जनता चाहती है कि यहाँ जो है विकास नहीं हो रहा है और यहाँ जो है आकर के वोट ले लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं और कोई जो है इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, इसलिए जनता के साथ हम हैं। और सही भी है कि यहाँ जो है कोई विकास नहीं हो रहा, एकदम इंटीरियर जगह है कोटा कंदाइला। हाँ मानिकपुर ब्लॉक में जो कोटा कंदाइला है, ऊंचा डी है, पन्हाई, वहाँ पे काफी आदिवासी को जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है और बहिष्कार कर रहे हैं, किसके लिए क्या है? देखियो कोल आदिवासी का जनजाति का ज्यादा 3% होता है, तो मैं समझता हूँ इतनी आबादी, इतनी यहाँ लोग केवल हमारी चित्रकूट खासतौर से मानिकपुर विधानसभा और रावतगंज सोनभद्र उस साइड में मिर्जापुर साइड में दो तीन जिले हैं, तो उनको 3% भी अगर 3% कोटा होता है तो हमारे जिले में अगर कोटा देंगे 3% अगर दे देंगे 3% में कौन विधान ये कौन जगह आएगी? अभी तो आदिवासी को आप लोगों को देख रहे हैं
कि पाठा में 20-25 गांव से 20-25 प्रधान बनते हैं, जब उन्हें जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा, कोई गांव फिक्स कर दिया जाएगा, तो एक या दो लोग बन पाएंगे, बाकी लोग नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर फायदा है, अगर नुकसान है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा भी है। यहीं पे पानी और सड़क के लिए जो कोटा कनाल से लालता रोड के लिए मांग कर रहे हैं, बाकी इन रोडों के लिए भी बराबर कार्रवाई चल रही है। कोशिश करेंगे कि ये सभी रोडें जो पूर्व से संचालित है, सभी की निरोसी प्राप्त हो और सभी मार्ग आच्छादित मार्ग बन जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का दूर का सफर जो तय करना पड़ता है, उन्हें मात्र 6-7 किलोमीटर का सफर तय हो जाए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।